Good morning kids and welcome again. Today we will start our next lesson of our section A, Dreams Never Die. सपने कभी पढ़ते नहीं है, okay? And this thing is clearly described in this lesson. ये बहुत ही अच्छे से इस lesson में describe किया गया है. And this is Valerie, our main character, and this is Piano. So Piano और Valerie का क्या connection है वो हम पढ़ेंगे. These are our characters. Valerie's father, Mr. Joe Spencer, music teacher है. Jane, जो Valerie की friend है, and the doctor. Okay, so let's begin. What happens? कि Valerie नींद में से उठती है. Okay, सुबह जब वो wake-up होती है, तो वो क्या देखती है? कि उसके चारों तरफ सारी चीजें white है. उसके bed का blanket white है. वो जब सो रही है, वो भी white है. उसके pillows white है. दीवारें सब चारों तरफ white ही white है. But then also she is not getting peace. उसको peace नहीं मिल रहा. उसको शांति नहीं मिलती है. क्यों? Because she is like wondering कि ये जगह वो नहीं है जहाँ मैं थी. Then उसको ऐसे लगता है कि शायद मैं ये सपना देख रही हूँ, ड्रीम कर रही हूँ. एंड जब वो ऐसा सोच रही होती है तो उसको याद आता है कि येस्टरडे जब वो कॉलेज से रिटर्न हो रही थी, उसके पापा उसको कॉलेज से पिक करते हैं, और जब वो रिटर्न हो रही थी तो वो क्या देखती है कि रास्ते में बारिश होना स्टार्ट हो जाती है. और जैसे ही बारिश का पिटर पैटर स्टार्ट होता है, बूंदे गिरना स्टार्ट होती है, तो वो क्या करती है, जो ग्लास होता है वो उसको नीचे कर लेती है. ओके, विंडो शीट को डाउन करती है और अपने हैंड को बाहर स्प्रेड करती है, बाहर की तरफ विंडो से. और जैसे ही वो अपने हैंड को बाहर निकालती है बारिश को फील करने के लिए, सामने से एक कार आ जाती है और उसके खुद की कार और उस कार में उसका हैंड क्या होता है, सैंडविच हो जाता है. दैट मींस वो ब्रेक हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है. ओके, और जब उसका एक्सीडेंट होता है तो वो एट दैट टाइम वो क्या होती है, अनकॉन्शियस हो जाती है. दैट मींस बेहोश हो जाती है. देन उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, और जब हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो अब उसको होश आया, तो उसको सारी चीजें याद आई है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ. ओके, आफ्टर दैट डॉक्टर आते हैं अंदर. जैसे ही वो डॉक्टर को देखती है तो डॉक्टर उसको बोलते हैं कि आपका एक्सीडेंट हो गया था, यू हैड अ बैड एक्सीडेंट, और अब आपकी सर्जरी होगी. तो सर्जरी का नाम सुन के वैलरी बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है, और वो डॉक्टर से बोलती है कि क्या मैं फिर से अपने हैंड को यूज कर पाऊंगी. तो डॉक्टर बोलते हैं कि इट इज नॉट अ बिग डील बिकॉज यू आर हैविंग अ लेफ्ट हैंड फ्रैक्चर. आपके लेफ्ट हैंड में फ्रैक्चर हुआ है. ओके, तो सून इट विल गेट रिकवर. जब टाइम पूछा जाता है कि कितने टाइम में रिकवर होगा, तो डॉक्टर बोलते हैं कि 1 year and 6 months. दैट मीन्स 1.5 साल में रिकवर होगा. तो उसके डॉक्टर बोलते हैं कि इतना टाइम लगेगा हैंड को रिकवर होने में. देन आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, ऑपरेशन हो जाता है एंड सून शी गेट डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल. उसको जल्दी से डिस्चार्ज भी कर देते हैं हॉस्पिटल से. एंड आफ्टर दैट शी रीच हर होम. एंड जब वो अपने घर पे रीच होती है, तो जब वो अपने रूम में एंटर करती है, देन व्हाट शी सॉ देयर के जो उसका पियानो होता है, ओके, शी लाइक्स टू प्ले पियानो, तो जो उसका पियानो होता है वो मिसिंग हो जाता है. मतलब पियानो वहां पे नहीं होता है. तो एट द सेकंड थॉट उसको रियलाइज हो जाता है कि उसके पेरेंट्स ने ही ये हटाया होगा, बिकॉज उसका अभी हैंड मूव नहीं कर रहा है. तो ताकि उसको ज्यादा इनर सफरिंग ना हो, उसको पेन ना हो, इस वजह से पियानो हटा दिया होगा. देन आफ्टर दैट वन डे व्हाट हैपेंस कि शी इज वेरी सैड नाउ. बट जो ये पियानो का ड्रीम होता है, शी लाइक जब वो वेरी यंग होती है, एट 4 शी लाइक्स टू प्ले पियानो. तो उसका उसी ड्रीम के लिए उसके पापा ने उसको पियानो भी दिया था. एंड हर फादर ओनली मेड हर ड्रीम के वो एक दिन जो लंदन का सबसे फेमस यूनिवर्सिटी है, जो लंदन की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी है, वहां से उसको म्यूजिक में डिग्री दिलाएंगे, समथिंग लाइक दैट. तो फिर उसके बाद क्या होता है कि लाइक उसके फादर ने ही एक पॉपुलर वेबसाइट से ये सारा सर्च करते हैं कि जहां से इसको स्कॉलरशिप मिलेगी और वो वहां जाके म्यूजिक सीख सकती है. तो नाउ व्हाट इज शी ड्रीमिंग कि मेरा तो ये सारा सपना ही टूट गया है, नाउ लाइक सब कुछ वेस्ट हो गया है. तब उसके पापा बोलते हैं कि ड्रीम्स नेवर डाई, सपने कभी मरते नहीं है. अगर ये तुम्हारे साथ हो गया एक्सीडेंट, तो सून यू विल गेट रिकवर, तुम जल्दी ही रिकवर कर लोगे. देन आफ्टर दैट वन डे व्हाट हैपेंस, जो उसके म्यूजिक टीचर होते हैं, जहां वैलरी म्यूजिक सीखने जाती है, म्यूजिक टीचर मिस्टर जोए स्पेंसर. ओके, तो मिस्टर जोए का कॉल आता है वैलरी के पास और वो उसको बोलते हैं कि मैं एक एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ, जहां पे मुझे एक ऐसे यंग टीचर की जरूरत है
जो बच्चों को म्यूजिक सिखा सके, दैट मींस पियानो सिखा सके। तो वैल्री जब ये बात सुनती है तो बहुत अपसेट हो जाती है, बिकॉज शी इज नोइंग ना कि उसका लेफ्ट हैंड तो वर्क नहीं कर रहा है, तो वो तो बोल नहीं सकती कि अब मैं सिखा दूंगी, तो वो बहुत अपसेट हो जाती है। एंड आफ्टर दैट इवनिंग वैल्री अपनी फ्रेंड जेन को फोन करती है, ओके, और जेन उसके घर में आ जाती है। देन वो जेन को सारी बात बताती है कि ऐसा है, तो जेन उसको लाइक सिंगल थॉट भी नहीं देती है, और जेन उसको बोलती है कि तुम्हें इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। वो वैल्री को बोलती है कि तुम्हें अगर इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है तुम्हें कुछ करने के लिए, तो यू शुड नॉट मिस दिस, तुम्हें मिस नहीं करना चाहिए। एंड जब जेन ऐसा उसको एनकरेज करती है, तो वैल्री जब जेन मूव कर लेती है, तो वैल्री अपने टीचर को फोन करती है वापस से, मिस्टर जॉय को फोन करती है, और उन्हें बोलती है कि आई एम रेडी टू टीच चिल्ड्रन, मैं चिल्ड्रन को पढ़ाने के लिए रेडी हूँ। तो जॉय गेट्स वेरी हैप्पी, एंड ऑल द अदर हैं जो उसके पेरेंट्स होते हैं वो भी बहुत हैप्पी हो जाते हैं कि लाइक शी इज टेकिंग दैट काइंड ऑफ डिसीजन, इतना टफ डिसीजन ले रही है, तो वो भी बहुत हैप्पी हो जाते हैं। एंड द थिंग इज दैट आफ्टर दैट वैल्यू रीच हो जाती है म्यूजिक टीचर भी वहां पे नेक्स्ट वीक म्यूजिक अकेडमी रीच हो जाती है, एंड वहां पे वो बच्चों को टीच करना स्टार्ट करती है, ओके, म्यूजिक सिखाना स्टार्ट करती है। सो आफ्टर दैट शी रियलाइज कि जब वो म्यूजिक सिखाती है तो वो क्या करती है, लाइक उसका लेफ्ट हैंड तो वर्क नहीं करता है, बट फ्रॉम हर वेरी राइट हैंड वो क्या करती है, जो म्यूजिक के कॉर्ड्स होते हैं, ओके, उनको इजीली बता सकती है कि आपको यहाँ प्रेस करना है, यहाँ करना है, ऐसे। एंड नाउ शी इज ड्रीमिंग, जो उसका ड्रीम है लंदन की अकेडमी में जाके म्यूजिक सीखने का, वो ड्रीम को बोलती है कि आई रियलाइज कि वो भी एक दिन जरूर फुलफिल होगा, लेकिन 1.5 साल का उसको टाइम दिया है उसके हैंड को रिकवर करने में। तो शी इज ड्रीमिंग विद इन 2 ईयर्स आई विल कम्प्लीट दैट ड्रीम ऑल्सो, मैं उस सपने को भी पूरा कर लूंगी। सो द थिंग इज दैट के सपने कभी मरते नहीं है, इफ यू आर ड्रीमिंग समथिंग एंड इफ यू आर सराउंडेड विद गुड पीपल्स, अगर आप अच्छे लोगों के बीच में, तो दे विल ऑलवेज एनकरेज यू, वो आपको हमेशा एनकरेज करेंगे, कभी भी फेल डाउन नहीं कराएंगे, नीचे नहीं गिराएंगे। एंड द सेकेंड इज दैट द यूनिट 2 इज ऑल अबाउट द ब्रिजेस एंड लैडर्स, दैट मीन्स हमें ब्रिज बनाने चाहिए, हमें आपस में पुल बनाना चाहिए, दैट मीन्स जोड़ना चाहिए, ना कि तोड़ना चाहिए। अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि यू आर मीटिंग दैट काइंड ऑफ पीपल विच आर मेकिंग यू फेल डाउन, आपको ऐसा लगता है कि ऐसे लोग हैं आपके पास जो आपको नीचा गिराना चाहते हैं, तो वो उस चीज को भी आपको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, और आपको खुद को ऐसे प्रूफ करना चाहिए कि एक दिन वो लोग गलत साबित हो जाए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू ड्रॉ वैलरी पिक्चर इन योर नोटबुक, आपको वैलरी का पिक्चर अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है, and also you have to read this lesson. Thank you and have a great day.